हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हरिओम। मैं सलोनी सलोनी जोलक में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई हो कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड आज फिर से है मंगल, तो आज सलोनी की ऐसी है, आज हमारी ऐसी है, आज है मंगल। तो पतिदेव ने कहा आज भी मत बनाओ कुछ खाने के लिए। पराठा सेक दिया था और पतिदेव ने चाय पराठा आज खा लिया। मक्खन लगा के चाय पराठा खाई है। और आज नहीं बनाना है नाश्ता, तो आज तो मेरे वारे न्यारे। और आज है मंगल, आज बनाएंगे फिर वेस्ट होगा, क्योंकि मंगल के दिन हम खाना बना लेते हैं, नाश्ता बना लेते हैं, तो हमारा बहुत खाना वेस्ट होता है। क्योंकि पतिदेव बाहर भी खा लेते हैं और लेके भी आ जाते हैं हमारे लिए भी, क्योंकि हमें बाहर का क्या मतलब प्रसाद बहुत पसंद है, सब्जी पूड़ी, तो हम मंगाते हैं इनसे खाने के लिए कि हमें भी ला के दीजिए, तो ये ला के दे देते हैं और खाना बहुत वेस्ट होता है। इस वजह से इन्होंने कहा आज भी मत बनाओ आज। और हमारे व्यू भी सो रहे हैं, खाते तो हम व्यू के साथ, पर व्यू बहुत आजकल लेट उठ रहे हैं और इनकी तबीयत तो खराब होने की वजह से इनको आराम दे रहे हैं और कुछ नहीं, इसी बार में आराम मिल जाएगा कम से कम। और हमें खानी है दवाई, दर्द भी बहुत हो रहा था बता रही थी, सवेरे थोड़ा सा आराम है, सवेरे आराम है, इसीलिए तुमको आराम दे रहे हैं। अब ऐसे और कैसे आराम दे सकते हैं, इसी तरीके से दे सकते हैं। तो हम नाश्ता इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हमें खानी है दवाई, और व्यू का करेंगे वेट तो हमें हो जाएगा लेट, तो इसलिए हम नाश्ता करें ले। तो हम खा रहे हैं सब्जी कह रहे हैं दाल और रोटी, क्योंकि हमें पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है, खा लेते हैं कभी कदार बहुत अगर बंद हुआ तो। और बीहू उठेंगे तो बीहू को खिला देंगे दाल पराठा। और अगर सलोनी की सेहत का राज यही है कि रोटी खाती है पराठा नहीं। आपने तो पोल खोल दिया हमारी सेहत का। तो फ्रेंड्स, इन्हें कैमरे में इन्होंने पोल खोल दी हमारी सेहत के लिए कि हम पराठा नहीं खाते रोटी खाते। कोई नहीं, आप लोगों को भी शेयर होगी, आप लोग भी आजमाइएगा। जो लोग हेल्थी हैं, अगर पतले होना चाहते हैं, तो आप लोग भी इस चीज़ को आजमाइएगा कि पराठा छोड़ के रोटी खाइएगा। पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, पर हमें पराठा पसंद ही नहीं है, इस वजह से हम नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दुबले होने के लिए खाते हैं, हम रोटी ही खाते हैं और पराठा हमें पसंद ही नहीं है, तो क्या करें। नहीं दोस्तों, आप लोग आइएगा, ये तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ, क्योंकि हम पतले होने के लिए रोटी नहीं खाते, ये तो फायदा ऐसी दुबली है। आपने में देखा था बचपन में, बताती तो हो, हमें लगा आपने देख के तो लगता है, ऐसे ही आदमी डर जाएगा कि हाँ कभी मोटी नहीं हुई हो तो। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग बचपन में मोटे होते हैं फिर बड़े होकर दुबले हो जाते हैं, बट हम शुरू से ही दुबले थे, दुबले हैं। और कोई नहीं, मोटे होना बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, तो दुबले ही रहे तो ज्यादा सही है। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा हम भी खा पी ले और दवाई भी खानी है। तो फ्रेंड्स, पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस, और ये देखिए मेरा आज का टिफिन। आज सलोनी ने इसमें टिफिन बांधा है, मेरा लंच बांधा है, लंच इस टिफिन में हमने लंच बांधा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब हम लोग नहीं बताएंगे कि इसमें है क्या, आप लोग गेस कीजिएगा कि इसमें है क्या, और कमेंट में बताइएगा कि आज हमने पतिदेव को लंच बॉक्स में क्या दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पतिदेव हो रहे हैं तैयार, और बाबू हमारे क्या कर रहे हैं, अपने पापा की बेल्ट लगा रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अपने पापा को, खुद रेडी हो गए हैं। तो देखिए ये लोग जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग बताएंगे? तुम घर में सड़ो, हम लोग घूम के आएंगे अकेले अकेले। ऐसा कभी होता नहीं कि पापा और बेटा हमें छोड़ के कभी अकेले गए हो घूमने,
घूमने तो नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बताइए, आप बताइए, हम क्यों बताएं। मंदिर जा रहे हैं, ऐसा कोई घूमना तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत मेला लगा रहता है तो बाबू देख लेते हैं। बड़ा मेला लगता है जहाँ हम गए हुए थे, अभी ये वहाँ नहीं जा रहे हैं, दूसरी मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ कोई खास मेला नहीं लगा रहता है, तो हमारे बाबू थोड़ा सा घूम लेंगे। अब बाबू हमारे हमें बुला रहे हैं। बेटा हम नहीं जा रहे हैं, मैं पैर में दर्द हो रहा है ना, पापा जी के साथ जाओ। तो फ्रेंड आ चुके हैं हम लोग मंदिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए, हम और हर्षित और विहू आए हैं, उनकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो आई नहीं है, तो हम ही तीनों लोग आए हैं। ऑफिस से भी देर हो गया था तो अभी जल्दी जल्दी बस तैयार होके नहा के बस भाग आए हैं। तो प्रसाद लिया फ्रेंड, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो अभी आप लोगों से फिर बात करते हैं, प्रसाद चढ़ा लेते हैं, लेकिन लाइन भी बहुत लंबी लगी है, देखिए पूरी यहाँ से लाइन है, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक के पूरी लाइन चल रही है, तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है फ्रेंड। निकल के प्रसाद चढ़ा के फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड यहाँ से अब प्रसाद चढ़ा लिया है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो विहू को मेला घुमा दे थोड़ा सा और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो अभी यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर मेला घूम के, ये देखिए व्यू, अपना खिलौना भी लेके आए हैं, वही खेल रहे हैं। अरे खरीद ही नहीं रहे थे कोई खिलौना, दिला रहे थे हम तो, कार दिला रहे, सब दिला रहे थे, ट्रक दिला रहे थे, कुछ ली नहीं, नहीं कहीं नहीं 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 अच्छी बात है, एकदम उदास जैसा टहला था, बोले तो बोले ना बोले, नहीं बोले तो ना बोले, उदास टाइप का घूम रहा था। अभी देखना ट्रेन में कैसे झूल रहा था, बैठा है बस जैसे लग रहा है किसी कुर्सी पर बैठा है। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घर अब, और बहुत थक गए हैं, ऑफिस भी गए थे, फिर तुरंत आए नहा के चले गए थे हम, तो इसलिए अब आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, और तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, हरिओम, जय हिंद। व्यू बाय करो, बाय। वीडियो पसंद आए आज की आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, भूलिएगा नहीं फ्रेंड। तो आज हम लोग गए थे पुराने मंदिर, हमको भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि व्यू को लिए हुए बस जा रहे थे, मंदिर प्रसाद चढ़ाया बस, वहाँ भी ज़्यादा देर रुके नहीं, भीड़ बहुत थी तो इसलिए लेट हो गया ज़्यादा, हम लोग को 10:30 बज गई है, तो अब खाना वाना खाते हैं, तो फिर कल मिलते हैं आप लोगों से।